एक्ने, पिंपल्स और डार्क कॉम्प्लेक्शन से परेशान हो गए हो तो एक बार इस नीम सोप को ट्राई करके देखो, ये आपकी स्किन प्रॉब्लम से आपको दूर रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नीम सोप को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए कुछ नीम की पत्तियां और उसके बाद में इन्हें एक बोल में डालकर अच्छे से धो लीजिए। अब इसके बाद में एक मिक्सर ग्राइंडर लेकर इन पत्तियों को इसमें डालिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद में इन्हें पीस लीजिए, इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। अब मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है तो अब हम इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देंगे। अब आपको चाहिए एक सोप बेस या फिर कोई ग्लिसरीन बेस साबुन जैसे पियर्स, फियामा या फिर खादी का, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। पूरे साबुन को कट करने के बाद में आपको इसे मेल्ट करना है डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से। इसमें हम सारा साबुन डाल देंगे और अब इसे हम मेल्ट होने देंगे। हमारा जो साबुन है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है, आप देख सकते हैं। जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है नीम पेस्ट 2 चम्मच जो हमने पहले बनाकर तैयार कर लिया था और इसे फिर से मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी, शहद और इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर लास्ट में हमें ऐड करने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कर देंगे गैस की फ्लेम को ऑफ। और फिर इसके बाद में हम इसे हमेशा की तरह किसी मोल्ड या फिर कंटेनर में पलट लेंगे। कंटेनर में पहले से ही वैसलीन लगा के रखें ताकि हमारा साबुन इजीली निकल पाए। मैंने इन्हें इस तरीके के कुछ कंटेनर्स में पलट दिया है और इन्हें मैं सेट होने के लिए रख दूंगी फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए। ये मैंने इसमें कुछ एल्कोहल स्प्रे किया है ताकि इसके झाग जो है वो मर जाए। अब हमारे जो साबुन है वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम डिमोल्ड कर लेंगे। इसके कॉर्नर्स को मैं थोड़ा नाइफ से हटाकर इन्हें निकाल लूंगी। ये नीम सोप काफी ज्यादा इफेक्टिव है एक्ने पिंपल्स वालों के लिए, साथ ही ये आपके स्किन टोन को भी फेयर करने में हेल्प करेंगे। आप एक बार इन्हें बनाकर देखिए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।